हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी गर्मी का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि देखिए, दूध अभी सुबह मैंने 10 बजे के करीब गर्म किया होगा और अभी 4:30 बजे होंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं। तो मैंने एक बार सोचा कि फिर से दोबारा इसको गर्म कर लें ताकि शाम तक ख़राब होने का डर ना रहे। लेकिन अभी जिसका डर था वही हुआ है, ये दूध देखो फट गया गर्म करते वक्त, तो पूरा पनीर बन गया था। पहले मैंने सोचा कि पनीर की सब्जी बना लेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मलाई थी, मतलब शाम वाली जो मलाई थी दूध की वो भी इसमें पड़ी थी और अभी सुबह वाले दूध की भी थी। तो मम्मी ने कहा पनीर रहने दो, अभी कटोरी मिला उस लोग खाएंगे, तो वही मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। और अभी विराट के पापा नहीं आए हैं तो उनके लिए मैंने कटोरी में बाहर निकाल लिया है। और अभी जल्दी जल्दी की चक्कर में मैंने इसमें सब में चीनी नहीं डाली थी, तो इसमें चीनी भी डालनी थी। तो मम्मी ने कहा एक एक चम्मच सब में डाल दो, सम्राट को ज़्यादा मीठा चाहिए, मम्मी ने सिर्फ एक चम्मच चीनी डलवाई है। और मैंने अपने के में नहीं मिलाया है, मुझे बिना चीनी के ही खाना है। दूध में चीनी डाल दो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये पनीर जब बन गया है ना तो बिल्कुल भी इसका मीठापन चला गया है, ज़रूरत ही मीठेपन की, लेकिन मैंने ऐसे ही खा लिया है। और विराटू एक दो चम्मच खाए हैं, इनको जैसे ही पता चला कि ये थोड़ा सा मुँह में चिपक रहा है तो इन्होंने अपना पूरा छोड़ दिया है। तो सम्राट उसको ले लिए, कह रहे हम दोनों कटोरी का खा लेंगे। और अभी ये आधी कटोरी दाल बच गई है, सुबह की दाल है ये, तो इसको मैं फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि विराटू शाम को भी दाल मांगने लगता है, और ख़ासकर इसको पता चल जाए कि दाल नहीं है सुबह वाली, तब तो ये पक्का दाल ही इसको चाहिए। बच्चों की आदत होती है ना कि जो सामान नहीं रहता वही मांगते हैं, ताकि अगर मिलेगा नहीं तो खाने से फुर्सत मिल जाएगी। तो इनकी चालाकी मैं चलने नहीं देती हूँ, थोड़ी सी दाल मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब एक कटोरी दाल तो ज़्यादा बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि दाल मुझे भी अच्छी लगती है। अगर शाम को बच भी जाती नहीं खाते ना तो मैं उसे पी डालती हूँ। इसको भी पहनना ज़रूरी था क्या? अरे बाहर जाना है क्या? जाना है क्या कहीं? गर्मी में बनियान पहने रहा करो। अरे नहीं, बाहर जाऊं तो क्या हुआ? बनियान चड्डा कपड़ा नहीं है क्या? इतनी ज्यादा तो होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, पेट में दिखाई पड़ता है ना। अरे अरे अरे, सीना उना दिखाई पड़ता है, इतने छोटे हैं, लेकिन इनको पता है कि बाहर निकलने के पहले टी शर्ट चाहिए, चड्ढा चाहिए, ऐसे नहीं बाहर जाएंगे। बच्चे बहुत जल्दी आजकल समझदार हो जाते हैं, उनको सिखाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते थे 5-6 साल तक, बेचारे कपड़े पहनने की अकल नहीं आती थी उनके अंदर। और अभी विराटू हिंदी व्याकरण की पढ़ाई भी कर रहे थे, उसमें निरर्थक और सार्थक शब्द शायद दिए गए थे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें भी ये देख रहे थे हम कि बोल रहा था, चाय वाय रोटी वोटी उसमें सब लिखा था, तो ये पेट वेट सीना वीना बोल के गए तुरंत दिमाग में बैठ गया सब। और अभी सुबह हो गई है, और सुबह मैंने देखी गैस कहाँ पर रखी है, आज निकाल के बाहर ले आए हैं, क्योंकि रात से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अंदर से जैसे जी मचला रहा है और सर भी थोड़ा थोड़ा भारी है। तो मम्मी ने कहा बाहर निकाल लो, गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गर्मी इस समय ना बहुत ज़्यादा है, तादाद से बाहर गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, दोनों में दिक्कत हो जाती है, नॉर्मल मौसम ही अच्छा लगता है। तो अभी सबके लिए चाय बना रहे हैं और अपने लिए भी मैंने थोड़ी सी चाय रखी, वैसे पीने का मन नहीं है बिल्कुल भी, मैंने बताया ना कि अंदर से पता नहीं कैसे मन हो रहा है, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि थोड़ी सी चाय पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा और हो सकता है तुम्हारा सर दर्द भी अभी सही हो जाए, तो मैंने आधा कप चाय निकाली थी। और अभी इन लोगों का स्कूल भी है तो जल्दी जल्दी मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन सच बता रहे हैं आज यहाँ पर मैंने गैस रखी ना बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे से बहुत अच्छी बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इधर गैलरी जो बनी है ना ये बहुत लाभकारी है मेरे घर के लिए, ये समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर बाहर हवा चलती है तो इसके सहारे अगर किसी बंद जगह से हवा आती है तो ज़्यादा हवा आती है, ऐसी खुली जगह में आपको हवा नहीं महसूस होती है, तो यहाँ पर आज बढ़िया लग रहा है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए अभी सुबह 7 बजे होंगे, धूप देखिए किस तरह से निकली है, एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा है ना कि बारिश वाले दिन नहीं चल रहे हैं, गर्मी वाले दिन चल रहे हैं, ऐसी धूप ना तो आपको मई में और अप्रैल में देखने को मिलेगी, जितनी अभी ये बारिश का सीज़न चल रहा है समझ लो पूरा। आप लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, हिंदी का ये अषाढ़ चल रहा है, अषाढ़ बिल्कुल पानी वाला सीज़न कहा जाता है, पानी वाला महीना है, लेकिन अभी क्या ही कहें पानी के बारे में, कहीं नामों निशान नहीं है, ले दे के एक दिन बारिश हुई है, और अगर एक दिन बारिश हो जाती है ना तो लगभग 2-3 दिन तक मौसम अच्छा रहता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है इसी वजह से बिल्कुल जानलेवा गर्मी है। तो अभी इन लोगों के लिए मैंने सब्जी और पराठा तैयार कर दिया है,
और बस ये लोग स्कूल चले जाएं तो थोड़ा सा मुझे राहत मिले, क्योंकि अभी स्कूल के टाइम से अपने आप को मैनेज करना पड़ता है चाहे जितनी दिक्कत हो आपको। तो बस यहाँ पर अभी हमारा कुकर भी आ गया है, तो मैंने सब्जी पराठा तो बना लिया है, अभी दाल बनाना बाकी है। तो दाल आज बनाएंगे ये नए नए कुकर में, और इसका मैं हैंडल चेक कर रही थी, ये देखिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, और पहले जो कुकर आते थे उसमें का हैंडल हिलता नहीं था, बिल्कुल जाम रहता था एक जगह पर। तो ढक्कन उठा के मैंने एक साइड में रख दिया है, और अभी ये हमारी निकल रही है छोटी सी सीटी। तो सीटी कितनी छोटी सी है, और इसकी टोपी जो लगी है ऊपर, इसका कैप कितना बड़ा सा है देखिए। तो अभी नई है ना, तो एकदम टाइट है, अंदर जा नहीं रही थी ढक्कन में, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। और अब निकालते हैं, ये है हमारा कुकर। तो ये 3 लीटर का कुकर है, और नीचे इसमें इंडक्शन बेस दिया गया है, और बस इसी वजह से मुझे नया कुकर लेना पड़ा, क्योंकि अभी मैंने हाल में ही इंडक्शन लिया है, तो उसके लिए मेरे पास कुकर नहीं था। जो मेरे पास पहले वाला कुकर है वो इंडक्शन बेस नहीं है, तो बस यही एक कारण था नया कुकर मंगाने का। तो अभी तो नया आ गया है, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है देखने में, और नया नया सामान जब आता है तो बहुत खुशी होती है। तो डिब्बा अभी मैंने संभाल के रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत अगर इसमें कमी हुई ना तो ये चेंज करेंगे, तो इसीलिए मैंने भी डिब्बा फेंका नहीं है। और वैसे भी ना फेंकती, क्योंकि अभी सम्राट और विराट आएंगे ना, तो वो खेलने के लिए डिब्बा ले लेते हैं, तो फिर लगता है कि जिस चीज़ से बच्चों को थोड़ा सा खुशी मिलती है ना, तो उस चीज़ को ऐसे क्यों फेंकें। तो यहाँ पर पहले मैं पानी गर्म करके इसको धुल लूँगी, उसके बाद फिर इसमें दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म हो गया है, बस इसको हिला के मैंने अंदर पूरा साफ़ कर लिया है, और बाहर भी मैंने ऐसे नॉर्मल पानी से धुल लिया था। और इसमें जो ये स्टिकर लगे हैं ना, ये अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुकर जैसे ही गर्म होगा ना ये अपने आप से पूरा छोड़ देंगे कुकर को। तो चलिए बस फटाफट से दाल बना लेते हैं। और ये कह रहे थे कि आज स्वाद ज़्यादा आएगा, नए कुकर में बन रहा है ना दाल, इसी वजह से। तो मजाक कर रहे थे, नया कुकर हो या पुराना कुकर, दाल का स्वाद वही रहेगा। और आज जल्दी जल्दी के चक्कर में दाल में नमक डालना भूल गए। और आपसे पहले, बहुत पहले मैंने शेयर किया था कि एक बार टीचर ने मुझसे पूछा था कि दाल कैसे बनती है, तो वहाँ पर भी मैंने नमक नहीं डाला था, बाकी सारी चीज़ें डाल दी थी। तो सेम वही आज यहाँ भी हुआ है। तो जब सब लोग खाना खाने बैठे हैं ना, तब पता चला कि दाल में नमक नहीं है, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। और मैं आपको बताऊँ ना कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी चीज़ को भूल जाऊँ, लेकिन अभी 2-3 महीने से पता नहीं क्या हो गया है कि मैं चीज़ों को एकदम से भूल जाती हूँ। और सिर्फ दाल में नमक ही नहीं है, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि इतना कैसे भूलने लगी हूँ। तो ये हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं जब से तुम यूट्यूबर बनी हो ना तुम्हारा दिमाग हैंग करने लगा है, इसलिए तुम ऐसा करो कि यूट्यूब छोड़ दो, अभी भी टाइम है, क्योंकि भविष्य जो है ना बहुत खतरे में। अगर किसी रोज़ तुमने ये कह दिया कि हम तुमको नहीं जानते, तो हम कहाँ जाएंगे। तो अभी गर्मी के टाइम में बिस्तर भी बहुत जल्दी जल्दी मतलब धुलने पड़ते हैं कवर इनके। तो जितनी भी तकिया थी सबके कवर मैंने धुले थे, और ये गद्दे का कवर भी मैंने धुल लिया था, तो आज सारे बिस्तर साफ़ हो गए। और एक बिछौना जो है ना वो भी मैंने धुला था, तो वो भी सूखा नहीं, वो छत पर पड़ा है, बाकी चीज़ें सब सूख गई थी। और अभी देखो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस वक्त भी, मैं बड़ी तकिया का कवर छोटी तकिया में चढ़ा रही थी। तो सचमुच आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन बस बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो काम है वो निपटा रहे हैं। और हमेशा काम करने में आपका मानसिक पावर काम करता है, मतलब मानसिक शक्ति मायने रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप फिजिकल रूप से कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो आपको ना, तो फिर आपका मेंटल पावर भी काम नहीं करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, बस अभी तकिया के कवर ओवर चढ़ा के ना तो हम जाएंगे, हम लेटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ बाहर से कोई आया था इनको पूछने के लिए, तो उसी को मैं बता रही थी कि वो घर पर नहीं है, शाम तक आएंगे, तो वो चले गए, भैया थे। तो लगभग यहाँ का सारा काम हो गया है, अभी कुछ कपड़े पड़े हैं आंगन में, उनको भी उठा के रख दें एक बार, क्योंकि एक बार लेट जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है, फिर धूप में पड़े रह जाते हैं कपड़े। आज सुबह मैं विराटू की किताब ढूंढी जा रही थी, मैथ वाली, 1 घंटे ढूंढे, किसी को नहीं मिली, फिर वो आखिरकार ऐसे ही चले गए, क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही थी। और ये देखो मिली है मैथ की बुक, कहाँ मिली है, सोफे के नीचे, जो सबसे लास्ट वाला सोफा रखा है ना उसी के नीचे पड़ी थी। सुबह में मैंने जब झाड़ू पोछा लगाया था तो मम्मी लेटी थी, तो वहाँ तक झाड़ू नहीं पहुँच रही थी, तो बाद में जब मैंने झाड़ू पोछा लगाया है तो ये बुक मिली है इनकी। पहले दिन भर सामान फेंकेगा, और जब सामान नहीं मिलेगा तब कहेगा कि अरे मम्मी स्कूल में मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मेरा सामान ढूंढ दो, चाहे जिस तरह से ढूंढ लो, बस ढूंढ लो बस।
तो काफ़ी देर तक हमने ढूंढा था बट मिली नहीं थी, क्योंकि ऐसी जगह पड़ी थी जहाँ पर किसी को कोई शंका नहीं थी कि यहाँ पर किताब पड़ी होगी। कैरम बोर्ड की हालत देखो कैसी हुई है, इधर साइड में कम यूज होता है तो ये तो सही सलामत है, पूरा पन्नी लगी है ऊपर से, और ये साइड देखो पूरी पन्नी निकल गई है, कागज़ भी इधर उधर से फटा जा रहा है, इधर साइड से है ये साइड देखो ये वाला, ये देखो कागज़ भी निकला जा रहा है। इसको मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर ये कागज़ निकल गया तो पूरा कैरम बोर्ड ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ सुनता है मेरी। आप सबसे विदा लेने का टाइम आ गया है आज के ब्लॉग से, तो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।